हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेरोजगार इंजीनियर। अगर आपको भी वूट ऐप में प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा DRM एरर 7005, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज की वीडियो में बताऊंगा। तो कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उनको फॉलो करना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने डिवाइस में प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है वूट ऐप को। तो वूट ऐप को सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर अपडेट का ऑप्शन आएगा तो अपडेट कर लीजिएगा। अगर बाय चांस अपडेट का ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे मुझे नहीं आया था, तो एक बार अनइंस्टॉल करना है ऐप को और फिर से इंस्टॉल करना है। तो ये सब करने के बाद हमें अपनी डिवाइस की सेटिंग पर जाना है। तो सेटिंग पर जाने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा, तो स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले सेटिंग ओपन कर लेते हैं अपनी डिवाइस की। तो यहाँ से सेटिंग ओपन कर लिए। सेटिंग ओपन करने के बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग पे जाना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल डाटा एंड ब्लूटूथ, इस पर क्लिक करना है और इनको रीसेट कर देना है। इनको रीसेट करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर एक ऑप्शन देखेगा ऐप्स का, तो ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप्स का ऑप्शन देखेगा, इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऐप्स दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले थ्री डॉट्स दिखेंगे आपको राइट टॉप कॉर्नर पे, उन पर क्लिक करना है और रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से रीसेट कर लीजिएगा। इसके बाद वूट ऐप को आपको ओपन करना है। फिलहाल मैंने तो अपने वूट ऐप को अनइंस्टॉल किया, उसको मैं फिर से इंस्टॉल करूँगा। इतनी देर में किसी और ऐप में आपको सेटिंग बताऊँगा, आपको सेम सेटिंग अपने वूट ऐप में करनी है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एडोब स्कैन ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टोरेज पे जाना है अपने वूट ऐप की और स्टोरेज का क्लियर कैच कर देना है। स्टोरेज का क्लियर कैच करने के बाद हमें ऐप परमिशन पे जाना है और सारी परमिशन वन बाय वन इनेबल कर देनी है। ये सब करने के बाद एक बार क्लियर डिफ़ॉल्ट कीजिएगा और रीस्टार्ट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।